हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल डॉक की है और गूगल डॉक में हम पीडीएफ को एडिट करना सीखेंगे। हमारे दोस्त हैं जिनको ये प्रॉब्लम आई थी, तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे एडिट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारी पीडीएफ फाइल है इंग्लिश वाली, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और फिर ये ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि इंग्लिश का एक पेपर हमने डाउनलोड किया है जिसका फॉर्मेट पीडीएफ है। तो अभी हम इस पर कितना भी क्लिक करें तो ये जो है एडिटेबल फॉर्मेट में नहीं आता, तो इसी तरह की प्रॉब्लम उनको भी आ रही है। तो अभी देखेंगे कि इसको कैसे एडिट कर सकते हैं। तो बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है, आप इंटरनेट से कनेक्ट रहिए। देखिए मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूँ और आप सीधा कहाँ चले जाइए, यहाँ से आ जाइए सीधे गूगल डॉक पर। तो ये गूगल डॉक का बहुत ही शानदार यूज है। यहाँ पर गूगल डॉक जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर ये गूगल डॉक ओपन हुआ है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहां से जाना है, ये जो थ्री डॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं, थ्री लाइंस दिखाई पड़ रही हैं, मेन मेन्यू पे जाना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस तरह के ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे, डॉक्स शीट। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, डॉक्स शीट स्लाइड फॉर्म सेटिंग हेल्प एंड फीडबैक और यहाँ पे ड्राइव। तो आपको यहाँ पे ड्राइव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे गूगल ड्राइव के अंदर यहां पर। अब यहां से चूंकि हमें न्यू लेना है, यहां से आप जा सकते हैं न्यू पर, तो यहां से न्यू पे क्लिक कर दीजिए और यहां से फाइल अपलोड पे चले जाइए। ठीक है, तो ये फाइल हमें अपलोड करनी है, पीडीएफ की फाइल है, इसे कैसे अपलोड करेंगे आइए देखते हैं। तो फाइल पे क्लिक कर दिया है हमने, ये यहाँ पे इंग्लिश का पेपर है, इसको डबल क्लिक करके अपलोड कर लीजिए। देखिए अब ये अपलोड होने लगा है और ये अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब इस पे क्लिक कर दीजिए एक बार और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर आएगा ओपन गूगल डॉक्स, तो आपको गूगल डॉक्स में इसे ओपन कर लेना है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इस पेपर को एडिट कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, 30-40 करना है तो यहाँ पे इसको हटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं 40 कर देता हूँ, 40 यहाँ पे देखिए इसको मैं हटा सकता हूँ, कहीं भी लगा सकता हूँ। अब ये नॉट है तो नॉट को हटा दिया। ठीक है, इज नॉट कुछ भी यहाँ से इस तरीके से, इज एम आर जो भी आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, गैप भी दे सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ये एकदम से एडिटेबल फॉर्मेट में आ गया है और जब आप इसको सेव करेंगे तो डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। ठीक है, फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे पहले। तो आप किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं आप ये देख लेंगे। ठीक है, ओडीटी यानी कि हम बात कर रहे हैं लिब्रा राइटर की, और एमएस वर्ड के फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से एमएस वर्ड पे क्लिक कर दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, और इसी फॉर्मेट में ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और उसको आप डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे और इस तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर जाते हैं और शो इन फोल्डर पे जाते हैं, तो ये हमारा फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहां से जाकर के आप इसको सीधा ओपन कर दीजिए, तो ये एमएस वर्ड के फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं अब ये एडिटेबल फॉर्मेट में एमएस वर्ड में आ चुका है। और इस तरीके से कोई भी बड़ा सा बड़ा पेपर हो, पीडीएफ से आपको कन्वर्ट करना हो, उसको एडिटेबल फॉर्मेट में, एमएस वर्ड के फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में, तो आसानी के साथ आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।